उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लगातार मुठभेड़ जारी है, जहां 24 घंटे के अंदर दो मुठभेड़ देखने के बाद लगता है कि शायद मुजफ्फरनगर पुलिस ने बदमाशों का खात्मा करने का मन बना लिया हो। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच एक और मुठभेड़ हो गई, जिसमें 10,000 के दो इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनके पास से दो तमंचे लूटी गई, एक बाइक बरामद की गई है। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ है। आपको बता दें कि आसू उर्फ आस मोहम्मद और परा नाम के दो बदमाशों की बाइक पर आने की पुलिस को जब सूचना लगी तो पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया। बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी, आज जुम्मा की नमाज भी थी और कई इस तरह के एक दो शहर में भी घटना हो गई थी, तो पूरे शहर में अलर्ट था। तो दो लोग इधर बुढ़ाना चौक की तरफ से मोटरसाइकिल पे आए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया, वो रुके नहीं, फायर करते हुए भागे। पुलिस ने घेराबंदी करी तो उन्होंने रास्ता बदला और इस बम्बे की पटरी पर भागे। यहाँ उन्हें घेरा गया, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी कार्रवाई करते हुए उसमें दोनों बदमाशों के घायल हुए हैं, गोली लगी है। पूछताछ पर जानकारी हुई है कि ये दोनों ही कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं और 10,000 के इनामी हैं। तीन तीन मुकदमों में वांछित थे, जिसमें हत्या का प्रयास, गोकशी के बहुत सक्रिय अपराधी थे ये, और उसी में इन्होंने कई बार पहले भी पुलिस पर हमले किए थे। से एक मोटरसाइकिल जो संदिग्ध है और दो कंटीमेट पिस्टल बरामद हुए। एक पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए हैं, इसमें सभी लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है।